ओके गाइस, सैंपल पेपर 6 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मटेरियल ऑफ अ कोन इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस। इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 6, देन द हाइट ऑफ द कोन फाइंड करनी है। तो बट मैंने आपको बताया था, जब भी ये कन्वर्ट वाले क्वेश्चन हो जाए कि जैसे यहाँ पर कोन से सिलेंडर में कन्वर्ट हो रहा है और जिनका रेडियस सेम है, तो बस उनके वॉल्यूम इक्वल कर दिया करो। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h। इन्होंने कह दिया रेडियस सेम है तो आर आर रखेंगे, पाई पाई रख देंगे, एच सिलेंडर का एच दे रखा है 6, तो यहाँ पर एच की जगह 6 डाल दो और ये वाला एच निकाल लो, ये पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो एच की वैल्यू 3 उधर जाके 18 आएगी। एक लाइन में आंसर सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बताओ, जल्दी कर दिया मैंने, जल्दी तो करूंगा यार, सैंपल पेपर सॉल्व हो रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट फिर ना बता रहा हूँ मैं, समझ गया ना। जब भी इसको कन्वर्ट करके उसको बना दिया तो वॉल्यूम इक्वल कर दो, बस वॉल्यूम इक्वल किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, मोड फाइंड करना है। तो नीचे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है L+H Fm-F previous / 2Fm-F previous - F next। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो सैंपल पेपर 6 में आ गए। ये होता है प्रैक्टिस करने का फायदा, अब तो रट गया होगा फॉर्मूला, बिना याद कर रट जाता है इतनी बार करने का, इसलिए कह रहा हूँ सारे देखो आराम से। एनीवेज, अब मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ क्या है, आपको वैल्यू पुट करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। तो सबसे पहले एल क्या हो, सबसे पहले एफएम क्या होता है बताता हूँ। एफएम होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 10, तो एफएम की वैल्यू होगी 10। उसके बाद आपका हो जाए एफ प्रीवियस, यानी 10 से प्रीवियस वाली 9, तो आप नेक्स्ट भी समझ गए होंगे, एफ नेक्स्ट 10 के बाद वाली 3। उसके बाद एल, एल मतलब जो ये मॉडल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एफएम, इसका छोटा इंटरवल ये 30। उसके बाद H मतलब कितने कितने इंटरनल इंटरवल चल रहे हैं, 15 से 20, 20 से 25, 5-5 के चल रहे हैं, ये सारे हो गए, फॉर्मूले में डालो आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द शैडो ऑफ अ टावर इज 30 मीटर लॉन्ग व्हेन सन सेलिब्रेशन इज 30 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ शैडो व्हेन सन सेलिब्रेशन इज 60 डिग्री। तो ये टावर मान लेते हैं और दे रखा है 30 मीटर की शैडो है, तो शैडो ऐसे नीचे गिरती है तो 30 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो इसको ये टावर है, इसकी हाइट को हम H मान लेते हैं, तो वही लगाते हैं 10-30 वाला फॉर्मूला, परपेंडिकुलर यानी एच, बेस यानी 30, 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3, एच अपॉन 30, यहाँ से एच की वैल्यू हो गई सॉल्व आउट करके 10√3, सॉल्व आप खुद कर लेना, एच की वैल्यू हो गई 10√3। अभी कह रहा है 60 डिग्री होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो क्या डिस्टेंस होता है शेडो का, तो इस शेडो को हम एक्स मान लेते हैं, अब और इसको 60 डिग्री मान लेते हैं, एच हमने निकाल लिया 10√3, तो अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 10/60 की वैल्यू, 10 वाला फॉर्मूला लगा दें, √3 परपेंडिकुलर यानी 10√3 और बेस हमें निकालना है एक्स, तो यहाँ से √3 से √3 कटेगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, जो कि है आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर रेडियस, और इस एक पॉइंट है 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये मान लो 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम टेंजेंट बना रहे हैं, तो हमने ये टेंजेंट बना दी, तो बस इस टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये 13 है, 15 है, और हमें पता है जो रेडियस है और पॉइंट ऑफ टेंजेंट होता है ये कॉन्टैक्ट, ये आपस में 90 डिग्री होते हैं, तो ये जो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो अब यहाँ पाइथागोरस लगा के ये वाली साइड आप फाइंड कर सकते हो। मैंने आपको ट्रिपलर बताए थे, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, तो अगर आपको ये ट्रिपलेट याद होंगे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये वाली साइड 12 होगी, क्योंकि ये देखो ये वाला ट्रिपलेट लग रहा है 5, 12, 13, ये 5 है 13, तो ये 12 होगा, दैट्स इट, वरना पाइथागोरस लगा लो। चलो इस क्वेश्चन नंबर 5th, हमें यहाँ पर ये पी की वैल्यू, ये जो ब्लू में मैंने मार्क कर रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और मीन हमें दे रखा है 7.5, मीन की वैल्यू दे रखी है, नीचे फॉर्मूला मीन का समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब हम क्या कैसे करेंगे, तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, एफ आई एक्स आई भी चाहिए, तो इन दोनों इनका मल्टीपल एफ आई एक्स आई का सम, तो इसका पूरे का सम ये नीचे आ जाएगा, मीन की वैल्यू 7.5, समेशन ऑफ इसका पूरे का समेशन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ 41+p, उसके बाद इसका तो आप करते जाओ 18, 40, ऐसे करके सॉल्व कर दिया 1.59p, ऐसे करके जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा 303+9p। अब ये बन गई इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू आएगी 3, जो कि होगा आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस था, बस आपको एफ एक्स करके ये नीचे तक पूरा करना है, उसका समेशन, ये समेशन का साइन होता है, यानी ऐड करके आपको लिखना है, और मीन की वैल्यू 7.5 दे रखी है। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं, 6th क्वेश्चन, फाइंड द डी ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1/2 एंड 8th टर्म इज 17/6, आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ 4th टर्म एंड 15th टर्म। तो पहले डी निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमें पता ही है, तो ए की वैल्यू दे रखी है 1/2,
और हमें डी निकालना है, तो हमें एट्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है 17/6, तो जब हम एट्थ यानी एन इजिकल टू एट इस फॉर्मुले में डालेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस 7d, एन एन की जगह 8 डालेंगे, 8 माइनस 1 7 7d, जिसकी वैल्यू दे रखी है 17/6। ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1/2, तो 1/2 प्लस 7d इजिकल टू 17/6, इसको सॉल्व करो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 1/3। तो सॉल्व वाला खुद कर लेना है, पेपर सॉल्व हो रहा है। अब हमें निकालना रेशियो 40 और 50 का, वो कैसे निकालेंगे, डी निकाल दिया हमने 1/3। अब देखिए डी अभी हमने निकाला 1/3, अब हमें निकालना रेशियो 4 टर्म एंड 15 टर्म। तो जब 4 टर्म यानी एन की वैल्यू 4 इस फॉर्मुले में डालेंगे तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, ए प्लस 3d, और 50 टर्म यानी एन की वैल्यू 50 डालेंगे तो ए प्लस 49d। ये रेशियो हमें निकालना है, तो हमें ए भी पता है, डी हमने निकाल दिया 1/3, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी सिंपल पेपर 6, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कर लोगे, वरना डिफिकल्टी आ सकती है, कैसे होगा। इसमें ये बोल रखा है क्वेश्चन में ये जो ओपी है ना, ओपी ये ओपी ये इस सर्कल के डायमीटर के बराबर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ओपी डायमीटर 2r होता है, और ये ओए तो r है, ओए भी r है, ओबी भी r है, ठीक है। ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, बस हमें पूछा है कि ये जो एबीपी है, ए बी जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल कह रहा है कि ये इक्विलेटरल है कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला OAB, इन ट्रायंगल OAP, OAP में ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री अगर हो गया, तो अगर हम ये वाली साइड देखें OAP ट्रायंगल में, OA अपॉन OP, तो OA की वैल्यू R है और OP की वैल्यू 2R है, R से R गया 1/2, 1/2 किस पे होता है, sin 30 डिग्री पे होता है 1/2, तो एंगल P की वैल्यू 30 डिग्री हो गई इसमें OAP में। सिमिलरली जब ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे OBP, तो इसमें भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों को जब सम करेंगे तो एंगल पी आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। यहाँ तक बात समझ आ गई, एक बार हमारा एंगल पी 60 डिग्री आ गया, हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो मैं बना रहा हूँ ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल, ये हमें बताना है कि इक्विलेटरल है। तो जिसमें हमने एंगल पी तो बता दिया कि 60 डिग्री है, कैसे बताया वो ये बता दिया। अब ये ए और बी, ओ ए पी बी में एंगल ए और एंगल बी भी हमें 60-60 बताने हैं, तो इन दोनों का सम 120 होगा और पूरे एपीबी का 180 होगा। अब ये देखो ये टेंजेंट है पी और पीबी, पी पी ए और पीबी टेंजेंट है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हमने ये तो बता दिया कि एंगल पी 60 है, अब हम आगे चल रहे हैं, बस एपीबी को इक्विलेटरल प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको, अब हम क्या करेंगे हमें पता है कि पी ए इज इक्वल टू पीबी, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है, और कोई दो टेंजेंट जब एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जाती है तो सेम होती है, तो ये पी ए पी बी सेम है, ये प्रूफ है, ठीक है। और जब दोनों साइड सेम होती है तो दोनों एंगल सेम होते हैं, तो एंगल ये ए एंगल और एंगल बी इन ट्राइंगल ए पी बी सेम होंगे, ये सब इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए वरना सॉल्व नहीं होगा। तो अब ये जो ए पी बी ट्राइंगल है इसमें हमें एंगल पी तो पता है 60 है, और ये भी पता है कि एंगल ए और बी इक्वल है, और यानी कि पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से ये 60 है, ये उधर जाएगा तो 120 हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो इसको x मान लेते हैं 2x is equal to 180 डिग्री, तो x is equal to 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और तीनों 60 डिग्री हो गए, तो तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए। अब मुझे पता नहीं आपको कितना समझ आया, ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सेक्शन बी पे आ गए हम, 3 मार्क्स के होते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक बिल्डिंग है 10 मीटर की, और इस बिल्डिंग के एक ही साइड पे यानी ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है ए और बी के बीच में, यानी कि बेसिकली ये एक्स पूछ रहा है एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये 1060 को ये यहाँ तक के एंगल पे लगाएंगे, 1060 यानी पूरी डायरेक्ट लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर यानी ये 10 और बेस यानी वाई, तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल देंगे, क्या है वाई की वैल्यू, 10 √3, वाई की वैल्यू आ गई। अब 1030 पे डाल दो, अब 1030 पे डालेंगे यानी वाई प्लस एक्स, तो देखो मैं दिखाता हूँ, इसको मिटा दूँ पहले। अब देख लो यहाँ पर हमने 1030 पे लगाया, तो 1030 यानी 1/√3, परपेंडिकुलर यानी ये बेस यानी वाई प्लस एक्स, वाई की वैल्यू 10√3 हमने निकाली और बेस एक्स। अब बस इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो बस अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात हो गई। अब ये कैलकुलेटिव काम तो आप खुद करो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 20√3, ये आंसर होगा इसका, ठीक है, √3, तो ये ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये देखो छठा सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको। हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना 8 सेंटीमीटर का,
और 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एक पॉइंट है जिसपे से हमें दो टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है। तो पहले एक रेडियस आर्क का एक सर्कल बनाओ, ये बना दिया। फिर एक पी पॉइंट ले लो, मान लो ये ओपी जिसकी लेंथ है 17, ठीक है। इस पी पॉइंट, अब इस ओपी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है, ये बना दिया। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो एम पे काटता है, ओपी है। अब ये जो ओ एम है, ओ एम, इसको लेके एक डॉटेड सर्कल बनाओ, रेडियस लेके, इसको रेडियस लेके ये डॉटेड सर्कल हमने बना दिया। अब ये डॉटेड सर्कल मान लो आर और एस पे काट रहा है, बस अब ये पी आर ज्वाइन कर दो, पी एस ज्वाइन कर दो, ये हो गई टेंजेंट, बन गया हमारा, कंस्ट्रक्ट हो गया। बस ये करना था कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और लेंथ आप कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएगा 15 पाइथागोरस से। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये बलून बना हुआ है और इसका इंक्लाइंट एंगल दे रखा है 200 मतलब 60 डिग्री, और जिसकी लेंथ है 250 मीटर और 60 डिग्री, ये से इंक्लाइंड हो रखा है ना। तो बस पूछ रहा है हाइट ऑफ अ बलून, मतलब ये पूरी हाइट पूछ रहे हैं। तो सीधे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चले गए यहाँ पर, तो साइन 60 लेंगे, क्योंकि साइन 60 साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यानी एच, हाइपोटेनस यानी 215, क्वेश्चन में दे रखा है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो एच 215, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई आपकी 215 √3/2, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, मान लो ये एंगल 30 डिग्री हो जाए यहाँ से, ऐसे 30 डिग्री, तो अब ये हाइट कितनी होगी, ये जो पिंक मैंने बताई है एच डैश, ये करो कमेंट सेक्शन में करके बताओ। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना सॉल्व नहीं होगा। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, डायग्राम आपके सामने है, एडीसी की वैल्यू 25 है, हमें ए बी फाइंड करना है, बेसिकली हमें ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो उसको देखते जाओ, सबसे पहले तो है ना ये डॉट जो मैं कर रहा हूँ ना, इस डॉट को ज्वाइन करके आप एक क्वाड्रिलेटर बनाओ, कौन सा, पहले ए सी ज्वाइन कर लो, ए सी, ये मैंने ए सी ज्वाइन कर दिया, ठीक है, हो गया ए सी ज्वाइन। उसके बाद ये सी ई ज्वाइन कर दो, आपको दिख रहा है ये ए बी सी, ये क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी ई, साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब जो सर्कल के अंदर होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। यहाँ तक बन गया, आराम से समझाऊंगा वाला क्वेश्चन, शॉर्ट्स में नहीं करेंगे इसको, पूरा वीडियो देख लेते हैं 2-3 मिनट में होता है तो, ठीक है। अब ये बन गया, अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ए डी, ये देखो ना ए डी सी 25 डिग्री है, तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारा, तो ये जो ट्राइंगल, ये वाला जो एंगल है ना, कौन सा, बी ए डी, ये भी 25 डिग्री होगा। अब आप पूछो क्यों होगा, सुनते जाओ बस, ये इसलिए होगा क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, मैंने डिसाइड कर लिया, आराम से समझाऊंगा ये क्वेश्चन जरूरी है, इसमें आपके और भी चीज बेसिक क्लियर थे। ये वाला एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आपका इक्वल हो रहा है, ये देखो ना, ये एंगल 25 है और ये देखो इसका अल्टरनेट, ये भी 25 है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो भी सेमी सर्कल होता है उसके अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये एक सेमी सर्कल है, ये ऊपर, तो ये वाला एंगल, ये एक सेमी सर्कल के अंदर, तो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये वाला, ये सेमी सर्कल के अंदर बनना नहीं, ये एक सेमी सर्कल है और ये देखो, ये जो मैं पिंक से जा रहा हूँ, ये 90 डिग्री हो गए। अब देखो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, अगर अब से क्वाड्रिलेटरल पर नजर रखो, क्वाड्रिलेटरल ए, तो क्वाड्रिलेटरल ए का क्या एंगल हो गया, ये 90 + 25, एंगल ए, ये जो मैंने नीचे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाया ए बी सी ई, इसके हिसाब से पूरा ए एंगल हो गया ना, तो ये पूरा ए एंगल कितना हो गया, 90 + 25 कितना होता है, जल्दी बताओ, 115, ये पूरा 115 डिग्री होता है। अब एक चीज बताओ आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होते हैं उनका अपोजिट साइड का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 115 है, तो ये पूरा, हमें तो सिर्फ ये चाहिए ए ई बी, ये वाला चाहिए, पर ये पूरा, ये वाला भी ऐड हो जाएगा, ये ग्रीन वाला भी, और ये दोनों मिला के कितने होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल है ए और ई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी सी ई के, तो ये पूरा होंगे 165, तभी तो 180 हो पाएगा। तो एंगल सी ई बी होगा 65, सी ई बी होगा 65, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ये वाला, ये छोटा वाला, कोई नहीं, अभी निकालते, देखो कैसे निकालेंगे।
अब देखो आपको एक चीज समझ आ गई, हमें हमें बस ये 60 की पूरा 65 है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें सिर्फ ये एईडी चाहिए। अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, गौर से सुनो। एक कॉन्सेप्ट होता है आपके सामने, वो कॉन्सेप्ट है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अब देखो मैं कौन से कलर से बताऊं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये ऑरेंज से बताता हूँ। ऑरेंज से एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, अभी हमें यहाँ तक पता चल गया ना, सी भी 65 पे, पूरा 65 पे, लेकिन हमें सिर्फ ये चाहिए पिंक वाला एईडी, क्वेश्चन में ए भी चाहिए। तो अब देखो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था एडीसी 25, ये एक सेगमेंट है जो कि इस वाली उससे बना हुआ है, इससे इससे एंगल इन सेम सेगमेंट, मतलब ये एक सेगमेंट है इससे ये एंगल बना, ए से देखो, ए से देखना शुरू करो, ये एक सेगमेंट है इससे ये एंगल बना, और इसी से ये एंगल बन रहा है, ये ए ई सी वाला, तो ए ई सी भी 25 होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ये वाला जो एंगल बना ए से ऐसे करके सेम सेगमेंट में जा रहा है, तो 25 है, और सिमिलरली ये वाला भी 25 होगा, और ये पूरा कितना है 65, तो 65 में से 25 बटा हो तो हमें ये मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन वाला ए ई बी, तो 65 माइनस 25 जब हम करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है 40 डिग्री मिल जाएगा, और वही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को दो तीन बार देख लो, कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सैंपल नंबर 6। देखो इस क्वेश्चन को लंबा चौड़ा देख के घबराना मत, वही मेल्टिंग पॉइंट है कि एक फिगर को मेल्ट करके दूसरा कुछ बना रहे हैं, तो जब भी मेल्टिंग है एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने बताया था दोनों के वॉल्यूम इक्वल कर दो, तो बस इनके वॉल्यूम इक्वल करेंगे, बस कुछ कंडीशन है, क्या सिलेंडर में से कौन बन रहे हैं, ये पूछा कितने कौन बनेंगे, तो बस कंडीशन ये कि 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कौन, यानी 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कौन इज इक्वल इक्वल टू द साइन ट्वाइस द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये कौन लिख देता हूँ मैं, और ये सिलेंडर लिख देता हूँ, तो रेडियस ऑफ कौन अपॉन रेडियस ऑफ सिलेंडर का रेशियो कितना हो गया, 2:3, ठीक है, और हाइट का दे रखा है, हाइट ऑफ कौन और हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ कौन और हाइट ऑफ सिलेंडर का रेशियो भी दे रखा है 4:3। बस दोनों के वॉल्यूम इक्वल करो और आंसर निकाल, बस अब इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दो और एन की वैल्यू निकाल दो, सिलेंडर का पहले लिखो इक्वल टू एन इंटू कौन, कितने कौन बनेगा, सॉल्व करो आंसर आएगा 9। चलो गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये सैंपल पेपर 6 का 13 क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें और पूछा क्या ये क्वाड्रेटिक है, चेक करना है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर एक्स की स्क्वायर में हो मैक्सिमम पावर, ठीक है, तो इसको खोलते हुए देखते, पहले खोल दो ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 9, लेफ्ट हैंड साइड को खोल दिया, राइट हैंड साइड को भी खोल दो, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस x माइनस 12, अपनी स्पीड में खोल सकते हो। अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमने देखा ये एक्स की फॉर्म में बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कट गए, तो हम डायरेक्ट ही, आप तो नीचे तक सॉल्व करके देख लेना, लेकिन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट मैंने देख लिया कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, और एक प्लस में जब ये उधर जाएगा तो माइनस में कट जाएगा, ठीक है, तो ये नो है इसका आंसर। तो ये 13 का सेकंड पार्ट है, कंटिन्यूशन में पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखो, देखो प्लेलिस्ट में जाकर सारे सैंपल पेपर सॉल्व करो, आपके लिए बना रहा हूँ मैं, ये 6th सैंपल पेपर है, सॉल्व हो रहा है, अगर ये सारे सैंपल पेपर भी देख के जाऊँ ना, ऐसे नंबर आएंगे मस्त आपके। एनीवेज, तो हमने फर्स्ट में एक इक्वेशन दे रखी थी, उसको प्रूव किया था क्या वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है मेंशन द मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी उसको फाइंड करने का मेथड क्या है, तो एक मेथड्स के नाम पूछे बेसिकली, तो एक तो मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, तो सेकंड पार्ट है ना फैक्टराइजेशन मेथड, एक और मेथड होता है फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो इन दो मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बस यही पूछा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सैंपल पेपर का, एक विशाल कोई लड़का है, उसको पॉकेट मनी मिलती है एवरीडे, और वो पॉकेट मनी में से पहले दिन 50 पैसे बचा लेता है, दूसरे दिन 1 रुपये बचा लेता है, तीसरे दिन 1.5 रुपये बचा लेता है, तो पूछा 10 दिन में कितनी सेविंग कर लेगा, तो एपी का क्वेश्चन है, पहले दिन 0.5, दूसरे दिन 1, तीसरे दिन 1.5, और ऐसे चलता जा रहा है, 10 दिन में कितनी सेविंग हो जाएगी, तो बेसिकली सम का फॉर्मूला लगेगा एन बाई टू
टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला फॉर्मूला लेगा जिसमें ए हमें पता चल गया 0.5 है, डी डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस 0.5 है, ठीक है, और एन क्वेश्चन में दे रखा है 10। अब सारी चीज़ पता है, ए पता है, एन पता है, डी पता है, उस फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो। आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, 27.5 आएगा, सॉल्व आप खुद करोगे। समझ आ गई बात? डायरेक्ट क्वेश्चन था एपी का, बस वर्ड प्रॉब्लम में घुमा रखा है, ठीक है, आई होप आप कर लोगे। चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सैंपल पेपर का, ये सेकंड पार्ट है 14th का, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, क्योंकि कंटिन्यूशन में वरना समझ नहीं आएगा। तो एक लड़का है विशाल, जिसको रोज पॉकेट मनी मिलती है और हर रोज ये ऐसे पैसे बचाता है, पहले दिन 0.5 बचाए, फिर 1 बचाए, फिर 1.5 बचाए। तो बेसिकली एक क्वेश्चन है, 0.5 बचाए, फिर दूसरे दिन 1 बचाए, फिर 1.5 बचाए, ऐसे बचाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो पूरे महीने में कितने बचाएगा, अगर 1 जून से स्टार्ट किया, यानी 30 दिन में कितने बचाएगा। तो बेसिकली हमें पता चल गया कि एन 30 है, ए की वैल्यू 0.5 है, ये एपी से पता चल रहा है, और डी की वैल्यू भी 0.5 है। क्यों? कोई कॉमनली 1.5 रेट हो रहा है, तो हमें एन पता है, ए पता है, डी पता है, सब पूछा है, तो इस फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो। बस इतना ही था क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये सॉल्व जरूर कर लेना जो मैं छोड़ता हूँ, और चेक करने के लिए आपको बता दूँ आंसर आएगा इसका 232 रुपीज़, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये सैंपल पेपर भी खत्म होता है, और दैट्स इट।